अब खबरें विस्तार से। खबर पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लंदन वाले घर पर हमला हुआ है। बीती रात यह हमला हुआ जिसमें 3 लोग जख्मी भी हुए हैं। पुलिस ने हमले के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने हमले के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 15 से 20 लोगों ने नवाज शरीफ के घर पर हमला किया था। नवाज शरीफ लंदन में रह रहे हैं और उससे पहले कल दोपहर को उनके सुरक्षाकर्मी पर भी हमला हुआ था। लंदन में नवाज शरीफ के ऑफिस पर यह हमला हुआ, बीती रात ही हमला हुआ जिसमें 3 लोग जख्मी भी हुए हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, करीब 15 से 20 लोगों ने नवाज शरीफ के लंदन वाले ऑफिस पर हमला किया था। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रणय, नवाज शरीफ के ऑफिस पर यह हमला हुआ था, क्या इनपुट मिल पाया इस बारे में? देखिए प्रणव, तो पाकिस्तान की राजनीति में विपक्ष और सरकार के बीच की जो लड़ाई है वो विदेशों में भी पहुंच गई। कल हमने देखा था किस तरीके से 2 लड़कों ने नवाज शरीफ के कार में उसके साथ पल गई। आज कुछ देर पहले की एक घटना है जब लंदन के अंदर नवाज शरीफ के भाई हसन शरीफ का जो ऑफिस है जहाँ पे नवाज शरीफ भी मौजूद थे, उसमें उसके पास कई जो पीटीआई के कार्यकर्ता थे कथित तौर पर बताए जा रहे हैं कि लोग अपनी अंदर जाके पीटीआई के झंडे लगाकर पहुंचे थे और उनकी हाथापाई हुई है। उसके उन्होंने वहां पर उस दफ्तर में घुसने की कोशिश की, बाद में लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस भी वहां पर पहुंची, उन लोगों को रोका गया और हाथापाई के अंदर घायल हो चुकी खबर है। तो ये जो मामला है, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं उसमें नवाज शरीफ को जैसे इमरान खान टारगेट कर रहे हैं, जाहिर तौर पर उनके कार्यकर्ता काफी चार्ज हैं, मोबिलाइज हैं और उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो ये लगातार दूसरी घटना है निश्चित रूप से, इसको लेकर चिंताएं हैं। और मरियम नवाज जो उनकी बेटी है नवाज शरीफ की, उन्होंने कल भी इस मामले को उठाया था। उन्होंने कहा था कि इस तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है वो निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है। और आज एक और दूसरी घटना सामने आई जिसके अंदर नवाज शरीफ के ऊपर टारगेट करने की कोशिश की गई। जो पीटीआई के कार्यकर्ता हैं वो गाड़ियों में भर के वहां पहुंचे थे, हाथापाई की घटनाएं हुई, 3-4 पीएमएल के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद थे और पीटीआई और पीएमएल के कार्यकर्ताओं के बीच में वहां हाथापाई की नौबत आई है। जी प्रणय, आप बने रहे हमारे साथ। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।